कि अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड। इसमें आपका 82 मार्क्स का तो 100% आता ही आता है क्योंकि दो क्वेश्चंस तो आपके आते ही हैं इसमें से। तो दिस थिंग और होता क्या है, कई बार ऑप्शंस आपके कुछ वैसे रहते हैं कि आप इजीली एलिमिनेट करके कुछ चीज़ें बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ी अटेंशन पे करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अभी मैं इसको इरेज करके अपने जो टॉपिक है प्रॉपर उसकी तरफ चलती हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। न्यूमेरिकल मेथड जो आपका चैप्टर है, बेसिकली इसका यूज़ जो होता है वो आपका अप्रॉक्सीमेट रूट्स वगैरह है उन सबको फाइंड करने के लिए होता है। अब आपके अलग अलग इक्वेशन के लिए, अलग अलग तरह की इक्वेशंस के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप इन को याद कर लीजिएगा किसके लिए क्या मेथड था। आपका मेथड ऑफ बाइसेक्शन हो जाता है या बाइसेक्शन मेथड उसको आप कहते हैं, ठीक है। आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड होता है, उसके बाद आपका न्यूटन रैप्सन मेथड होता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपके अलग अलग इक्वेशन के लिए, लाइक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसके लिए आपके पास अलग मेथड है, इंटीग्रेशन वाला बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपके लिए अलग मेथड है। तो जैसे जैसे हम उन इक्वेशन पर पहुँचेंगे मैं आपको मेथड्स पढ़ाती जाऊँगी, बार बार रिपीट करने का मैथ में कोई लॉजिक नहीं है। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ बाइसेक्शन, या फिर आप इसको बाइसेक्शन मेथड भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है गाइस, देखिए सपोज अगर आपको एक फंक्शन एक्स दिया है, या इसमें आपने कुछ अज्यूम कर लिया, आपके दो रूट्स आए ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें क्या करना होता है, आपको एक एक्स्ट्रा रूट फाइंड आउट करना होता है एक्स वन, जो होता है a प्लस बी बाय टू के इक्वल। अब बेसिकली होता क्या है ना बाइसेक्शन मेथड में, देखो इसमें ऐसे आप समझो, इसमें आपके जो रूट निकलते हैं ना, ये दोनों रूट, एक आपका मोर देन ज़ीरो होना चाहिए और एक आपका लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, और ये x1 इन दोनों के बीच में लाइक करना चाहिए। और हम तब तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक हमें इस तरह की वैल्यू ना मिल जाए जो इसके बीच में लाइक करती हो। और इसको इसी तरह से सॉल्व करते रहने में आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसमें, आपको सॉल्यूशन बहुत लंबा इसमें होता है, हो जाता है, और आपको बहुत करीब 13-14-15 बार, पता नहीं कितनी बार तक इसमें निकालना पड़ता रहता है। जैसे सपोज देखो आपको कोई, आपने ये वैल्यूज पुट करी और उसके बाद जब आपने वैल्यू रख कर देखी तो आपका एफ ए जो है वो आपका मान लीजिए लेस देन ज़ीरो है, एफ बी आपका जो है वो मोर देन ज़ीरो है, एफ एक्स वन भी मान लीजिए आपका आया मोर देन ज़ीरो लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं आ गया। सपोज एफ ए आपका वन था, एफ बी आपका टू आ गया और एफ एक्स वन आपका 1.5 आ गया। तो जो अब आपका नेक्स्ट रूट जो आएगा ना, नेक्स्ट रूट वो आपका इन दोनों के बीच में लाई करेगा और इसको एलिमिनेट कर देगी। फिर जब इन दोनों की हेल्प से आप आगे फाइंड करोगे तो फिर आपकी इस तरह से कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, और वैल्यू निकालने का तरीका वही है, ए प्लस बी बाई टू, लाइक वन और 1.5 को रखो आप तो अब आपका कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका वो वन आपके इसके इक्वली हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हो, और इसमें करीब आपको 13-14 अप्रॉक्सीमेशन निकालने पड़ते हैं तब आपका जाके कहीं रूट निकलता है, मतलब आपको ये जो फॉर्मूला है इस तरह से सॉल्व करके 13-14 बार करना पड़ता है। तो जनरली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बिकॉज ऑफ दैट मच लॉन्ग क्वेश्चन, लाइक 13-14 बार आप उसको सॉल्व करोगे तो अब इतना एटीसी वाला बेवकूफ भी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन देगा, और अगर दे देता है ना तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको फिर छोड़ देना और बाकी क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इट विल टेक टाइम बहुत ज़्यादा, 13-14 बार निकालना इज लाइक टू डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद आता है आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड, वो भी आपका ज़्यादातर एग्जाम में इस तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं जिनमें आपका MCQ टाइप रहता है उसमें नहीं पूछा जाता है। उसका भी रीज़न वही है कि ये भी आपका काफ़ी लंबा मेथड है और इसमें भी 8-9 बार तक चला जाता है आपका, एंड प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि वो लंबा है, उसमें वो आप एक ही फॉर्मूला बार 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 रिपीट करते जाते हो ना, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन अवॉइड करते हैं किसी या कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम होगा वो नहीं देता है। और अगर दे दिया है तो वो क्वेश्चन फिर आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कराने के लिए दिया गया है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप लाइक आप खुद सोचो ना, आप अगर 13-14 बार निकालोगे एक चीज़ को तो कम से कम भी तो 5 मिनट लगेंगे, और 5 मिनट में अगर आप आइगन वैल्यू निकालने वाला या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले उस तरह के आप दो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट कर ही लोगे 5 मिनट में आप इजीली।
तो वाई वेस्ट टाइम हेयर, ठीक है, जब आप कहीं और दो क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, दो तीन क्वेश्चन निकल जाते हैं, इसके एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है। 5 मिनट का मैंने तब लिया है जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। रेगुलर फालसी मेथड भी सेम उसी तरह का होता है। इसमें जो आप बीच में एक एक्स्ट्रा एक्स, इन दोनों के बीच का जो X1 निकालते हो, उसका फॉर्मूला होता है ए फंक्शन ऑफ एफ बी। मतलब आपको कोई इक्वेशन गिवन थी x³ + 2x² + 1, इसमें आप बी पुट करोगे, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो भी आएगी आप लिख दोगे। सिमिलरली बी एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए, तो यही रूट होता है, मतलब यही इसका फॉर्मूला है। आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला, ताकि अगर कभी कुछ फॉर्मूला टाइप कुछ पूछ लिया तो आप लगा पाओ। बाकी इसके पे बेस्ट क्वेश्चन आई हैव नेवर सीन, तो आई डोंट थिंक आ सकता है। इसमें भी आपको करीब 8th या 9th तक चला जाता है, इसमें तो 13-14 बार तक जाता है, ठीक है, इसमें 8-9 बार तक चला जाता है आपका रूट सॉल्व करने में, आपका फाइनल आंसर निकलने के लिए, तो आप इतना लंबा भी नहीं पूछता है। हाँ, इन तीनों में अगर आप देखते हो ना, तो न्यूटन रैप्सन जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जल्दी सॉल्व करके देता है, एक बार में दे देता है, या मैक्सिमम गया तो 2 बार में, आपके लेवल पर इतना ही देगा वो, और आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है, फर्स्ट बार में जो आता है ना वही हो जाता है आंसर, ठीक है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है तो वो न्यूटन रैप्सन पे आता है। तो अब हम न्यूटन रैप्सन पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, इसलिए मुझे 1 मिनट दीजिए गाइस, ये इरेज कर दूंगा, देख लेते हैं न्यूटन क्या करना है। बेसिकली कन्वर्जन रेट होता है आपका रूट निकालने के लिए, कितनी जल्दी रूट निकल जाते हैं, इससे जल्दी निकल जाएंगे। बाकियों में आपने पहले देखा 13 टाइम्स 14 टाइम्स ऐसे लगता है, मैंने आपको करके नहीं दिखाया पूरा प्रॉपर, क्योंकि वो जस्ट टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ के बारे में आप और याद रखिए कि ये क्वाड्रेटिक कन्वर्जन होता है, और सेकेंड ऑर्डर का होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बारे में याद रखिए, सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। बाकी इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें क्या करना होता है आपको, आपको X1 निकालने के लिए जो भी आपको X0 गिवन है, ठीक है, अब अगर सपोज आपको X0 गिवन नहीं होता है तो आप अज्यूम कर लेते हैं कुछ, ठीक है, X0 - f(x0)/f(x0)। फॉर्मूला देख लीजिए, अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, क्या यूज़ है इसका, क्या यूज़ नहीं है, ठीक है। एक्स नॉट बेसिकली कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, और अगर गिवन नहीं है तो वो आपको गैस करना पड़ेगा। गैस कैसे करना पड़ेगा, कुछ भी 1, 2, 3 गैस कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें देखो सपोज आपका X1 पे एक पर्टिकुलर सही वैल्यू नहीं निकलती है, तो आप इसको फिर X2 निकालोगे, एंड ये प्रोसेस आपको चलता रहेगा XN+1। ठीक है, ये होता है आपका बेसिकली इसका फॉर्मूला। अब मैं इसका आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ तो आपको ये अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज आपका क्वेश्चन है f(x)=x³+3x, ये f - x होता है डिफ्रेंशिएशन, f(x - 7), ठीक है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है x0=1। अब ये क्वेश्चन में आपको x0=1 गिवन है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम सबसे पहले x1 निकालेंगे, विच इज़ x0 - f(x0)f - x0। अब इसके लिए पहले आपको f(x)-f(x0) निकालना होगा। f(x0) कैसे निकलेगा, आप x की जगह आपने x0 पुट कर दिया, और x की जगह आप x0 पुट करेंगे, और x0 कितना है, 1, तो मैं डायरेक्टली 1 पुट कर देती हूँ। 1 + 3 - 1 - 7 = 1 + 3 - 7, कितना आ जाएगा -4, ठीक है, -4 ही आएगा ना, नहीं 4 हो जाएगा ना, सॉरी -3, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे x1=0, सॉरी कितना है 1 - fx0, हमने निकाल लिया कितना आया -3। अब f - x0 कितना होगा आपका, ये जो भी आपकी वैल्यू है इसको आपने x0 के इक्वल पुट कर दिया ना, तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना होगा 3x² + 3। अब इसमें भी जब आप x0 की जगह 1 पुट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 + 3 = 6, तो आपका कितना आ जाएगा 6, आप कट कर देंगे 1/2, कितना आ जाएगा 1 - -1/2,
बाहर ले आएंगे इसको तो 3/2 आंसर कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, ये आपका न्यूटन रैपसन मेथड से सॉल्व करने का तरीका। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। fx = x³ - 2x - 5 और x1 आपको कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में कभी आपको x2 की वन हो, सपोज आपको x2 कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में मैं लिख देती हूँ x2 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या भाई, आपको विजिबल है क्या गाइस, एक सेकंड के ज़रा देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप फाइंड करेंगे एक्स नॉट, क्योंकि हमें वो गिवन नहीं है। तो कैसे फाइंड आप करते हैं, अब उसका तरीका मैंने पहले नहीं बताया था, क्योंकि वो फिर दो दो बार बताने से टाइम वेस्ट होता है। अब आप समझिए उसका कैसा, उसको हम करते हैं। हमें एक रफ गैस लेना होता है, लेकिन उसका भी तरीका होता है कैसे। पहले हम एफ की जगह 0 पुट करके देखते हैं, एक्स की जगह 0, तो पुट करके आप देखिए 0³ - 2 × 0 - 5 कितना आ जाएगा 5। यह आपके 0 के कुछ कुछ निगर है। अब आप f1 पुट करके देखिए, 1³ - 2 × 1 - 5 ये कितना आ जाएगा आपका 6 - 2 - 6। ठीक है, ये आपका अब थोड़ा और दूर चला गया 0 से। तो मतलब अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 0 के नियर कौन सा है, ये वाला है। हमें वो वैल्यू लेनी होती है जो 0 के नियर होती है, 0 के नियर ये वाला है। लेकिन अभी हम आगे और सॉल्व करके देखेंगे। कब तक हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, जब तक कि हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो जाती है। अब हम इसमें अगर 2 पुट करके देखते हैं, 2³ - 2 × 2 - 5 ये कितना जाएगा आपका 5, 9, और 2³ माइनस करेंगे तो 1। यह आपका और ज़्यादा करीब आ गया 0 के, इन तीनों के अगर कंपैरिजन में आप देखेंगे। अब f3 पुट करके देखते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 3³ - 2 × 3 - 5 कितना आ जाएगा 6 और 5 = 11, 3 का 27, 27 - 11 करोगे तो करीब कितना आएगा 16, और ये 27 आपका पॉजिटिव का है और ये बड़ा है तो आपका प्लस का 16 आ जाएगा। अब आपका ये तो 0 से बहुत बड़ा है, और इन चारों में अगर अब आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो 0 के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 हमारा x की जिस वैल्यू पे हमारा 1 आ रहा होगा उसको हम x नॉट ले लेंगे। तो किस वैल्यू पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो हमारा x नॉट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चला पता कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, x2 फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे x1 कितना होगा हमारा x नॉट प्लस f(x)/f'(x0)। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, fx की ये जो हमें वैल्यू गिवन है इसका fx- निकाल लेते हैं। क्या होगा 3³ का 3x² - 2 ये है। अब हम इसमें अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करते चलेंगे। अब जब x0 की वैल्यू हो रही है तो x की जगह x0 पुट करेंगे, और x0 कितना है 2, तो 2+2³ - 2 × 2 - 5 डिवाइडेड बाय आपका f'x, इसमें पुट करेंगे तो 3 × 2² - 2 कितना आ जाएगा आपका 2+-1 डिवाइडेड बाय 2² = 4, 12 - 2 = 10 पेन तो चल जाए। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है x2। चल जा भाई, आ गया x जगह आप पुट करेंगे इस fx की वैल्यू में x नॉट की वैल्यू, दैट इज़ द 2, तो 2³ - 2 × 2 - 5 ये हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर आप रखेंगे 3² - 2 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2+-1 और इसको करेंगे तो 10। ठीक है, और 2 - 1/10 तो 20 - 1 = 19/10 ये आ गया आपका x1। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है x2, या फिर आपसे कह सकता है दो बार आप इटरेशन कीजिए या दो बार सॉल्व कीजिए, इस टाइप से आपसे कुछ भी कह सकता है वो। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, इसको प्लीज़ नोटिस करना, यहाँ पे माइनस होता है, सॉरी ये भी माइनस,
ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 21, तो आपका आ जाएगा 2.1 x1। ठीक, अब आपको निकालना है एक्चुअल में x2। x2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एक नंबर कम वाला x1 माइनस एफ x1 फर्स्ट एक्स x1। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो x1 आपका कितना आया 2.1, माइनस एफ x1 आपका कितना आएगा, आप इसमें x3 की जगह 2.1 पुट कर दीजिए, का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, अब आप एफ डैश एक्स में 2.1 पुट कर दीजिए, 3 इंटू 2.1 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए तो आपका x2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाकी आपसे x1 ही पूछेगा एग्जाम में, रेयर चांस है कि x2 पूछ ले। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। तो बस अब मैं इसमें ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, रीज़न यू नो दैट कि वी डोंट हैव दैट मच टाइम। इसके बाद अब मैं मूव इसको इरेज करके फिर मूव करती हूँ नेक्स्ट अपने मेथड की तरफ। वी हैव इज द सीकेंट मेथड। ठीक है, सीकेंट मेथड, इन मेथड्स को आप एक जगह इनके फॉर्मूले के साथ नोट कर लेना और एक बार रिवाइज कर लेना, आपको सब याद हो जाएंगे। इसको देखो निकालने का तरीका क्या है, आपको सपोज इसमें एक्स आई एक कुछ है प्लस वन आपको कैलकुलेट करना है, सपोज आपको एक्स टू कैलकुलेट करना है या एक्स वन कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली क्या करना होता है एक्स आई माइनस वन। इसमें आप ऐसे केस समझिए लाइक माइनस वन जीरो और वन, ये तीन केसेस हैं आपके पास। ठीक है, तीन पॉइंट्स हैं आपके पास, एक्स वन आपको ही निकालना है, तो एक्स और ये आपका आई नॉट हो गया और ये आपका हो गया आई नॉट माइनस वन। ठीक है, अब आप समझ पाएंगे थोड़ा अच्छी तरह से फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स आई माइनस वन एफ आई माइनस एक्स आई एफ आई माइनस वन, लाइक यहाँ पर एक्स आई था तो इसका एफ आई इधर गया और इधर एक्स आई का एफ आई इधर आया, डिवाइडेड बाई एफ वाई माइनस एफ आई माइनस वन। ठीक है, इससे आपका एफ आई एक्स आई प्लस वन निकलेगा। आप इसको एन की फॉर्म में भी लिख सकते थे, आई की जगह एन लिख दीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। ओके, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, सेम वही हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने पहले किया है, तो आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको मैंने एक्स माइनस वन दे दिया है, आपके पास टू है, एक्स जीरो आपके पास थ्री है और एक्स वन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, लाइक दिस आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका एक्स वन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एफ ज़ीरो, ठीक है, माइनस एक्स ज़ीरो इंटू एफ डिवाइडेड बाय एफ ज़ीरो माइनस एफ माइनस एफ वन। ठीक है, अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा एफ ज़ीरो कितना आएगा, तो हमें यहाँ पर x की जगह ज़ीरो पुट करना होगा, x ज़ीरो पुट करा तो हमारा कितना आया 3 क्यूब माइनस 2 3 माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे आपका कितना आ जाएगा 27, नहीं वही तो आ जाएगा 16। ठीक है, और माइनस 1 जब आपने पुट करा तो कितना आ गया आपका माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 5, कितना आ जाएगा आपका ये माइनस 1 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 6 एंड प्लस 2 आ जाएगा कितना माइनस 4, एंड एफ प्लस वन जब पुट करा तो आ गया आपका 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5, इसको आपने करा तो आपको कितना आ गया माइनस 6। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, अब इन्हें आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए आपका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले एक्स माइनस 1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपकी यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस 1 की जब आप पुट करेंगे, तो ये आपकी गिवन है 2, तो आप लिख देंगे 2, एफ ज़ीरो आपका कितना आया 16, माइनस एक्स नॉट आपका कितना है गिवन है 3, एफ माइनस 1 आपका कितना आया माइनस 4, माइनस 4 भी आएगा ना गाइस, इसको एक बार आप कैलकुलेट कर लेना ज़रा अगर, अच्छा सॉरी गाइस यहाँ माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 के साथ वैल्यू क्या थी 2 थी, तो आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 2 2 4 माइनस का साइन रहेगा माइनस 5, तो 8 4 9 आ जाएगा माइनस 1, तो आपका कितना आया माइनस 1। अब एफ ज़ीरो माइनस एफ वन करेंगे तो एफ ज़ीरो आपका 16 था, माइनस एफ वन आपने कैलकुलेट कर, ये मैंने गलत निकाल दिया सॉरी, ये नहीं है वो, थोड़ा कंफ्यूज हो गई, तो ये माइनस 1
अब ये आपका कितना आ जाएगा, 32 प्लस 3, एक ही माइनस 1 आ जाएगा ना, ये 12, और ये वाला भी 16 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 35/17, ये कैंसिल होकर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपका x1 कितना आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस मेथड का ये वाला क्वेश्चन। अब इसी तरह से आप और भी इसमें लेके जूम कुछ भी सॉल्व करके देख सकते हो, और मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, पर क्वेश्चन एक ही मैं क्वेश्चन करवाऊँगी पर मेथड, ताकि आपको बस ब्रीफ मिल सके किस तरह से करना होता है। और अब मैं इसके साथ मूव करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पर क्वेश्चन तो भाई देखो, अगर एग्जाम उसका पेपर सेट करने वाले का दिमाग खिसक गया तभी वो दे सकता है, बाकी आप इसका सिर्फ फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फॉर्मूला इज fx0 + ph, पी अलग टर्म है, एच अलग टर्म है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये कितने के इक्वल होगा, y0 + p, y0 + p, p-1 डेल स्क्वायर वाई, चलता रहेगा कब तक, p-1 p-n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डेल n बाय। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। और एक और फॉर्मूला होता है, इसको 3-4 बार लिखना गाइस, याद हो जाएगा, क्वाइट लंबा है ये, याद रखने में दिक्कत होती है और गलती कहाँ होती है बच्चों से मैं बताती हूँ। इस फॉर्मूले में इसमें होगा fxn + p × h, या x नॉट था या xn है। देखो बेसिकली फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में क्या होता है ना, लाइक आपको x2 फाइंड करना है, तो आप माइनस करोगे x2, आप माइनस करोगे x3 - x2 को, और बैकवर्ड में क्या होता है, आपको x2 फाइंड करना है, तो आप माइनस करोगे x2 - x1। ठीक है, इस तरह से इसमें डिफरेंस होता है। खैर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, yn, तो यहाँ नॉट चल रहा था, यहाँ n चलेगा, क्योंकि डेल yn प्लस पी पी प्लस वन, तो देखो ये पॉइंट नोट करना है, यहाँ -1 था, यहाँ +1 है। ठीक है, जहाँ जहाँ वो डिफरेंसेस आ रहे हैं मैं आपको साथ के साथ बताते जा रही हूँ, ताकि आप लोग को ये अगर फॉर्मूला आए तो कंफ्यूजन नहीं हो। देखो -1 था, +1 आ गया, पी प्लस, और देखो ये माइनस था ना, यहाँ पे ये माइनस था ना, यहाँ पर एक प्लस आ गया, n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपका डेल n माइनस। ठीक है, और अब इस केस में आपका p क्या होता है, दोनों ही केस में, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, p आपका होता है x-x0 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, और यहाँ पर h क्या होता है, b-a, एक रेंज होगी आपकी b-a, कुछ भी करके उस तरह से आपको गिवन होगा। अब देखो गाइस, इसका क्वेश्चन मैं आपको एक करवा देती हूँ जस्ट फॉर अ रफ केस। और h इसमें क्या होता है ना, हमेशा सेम रहता है गाइस, अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, हमेशा आपका h जो है वो सेम ही रहता है, इसीलिए आपका p भी हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आप देख लीजिए, चलिए गाइस, अब आप एक ये वाला और आप इसमें क्वेश्चन एक देख लीजिए, मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन क्विक करवा देती हूँ। सपोज अगर आपको गिवन है y1 = 24, मतलब ऊपर कुछ बड़ा सा लिखा रहेगा, यू हैव अ पॉलिनोमियल दिस दिस दिस, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन विच वी हैव द रूट, एंड फाइनली आपको ये वैल्यूज इस तरह से दी होंगी, इस तरह से भी दे सकता है वो वैल्यूज को, या फिर एक टेबुलर फॉर्म में भी दे सकता है। टेबुलर फॉर्म में कैसे देगा, देखो अब अगर इस तरह से गिवन है, मैंने इस तरह से क्यों लिया, ताकि मुझे 2 क्वेश्चन ना करवाने पड़े आपको, अगर ये टेबुलर फॉर्म में दिया नहीं है अगर आपको, तो आपको अभी टेबुलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और हो सकता है एग्जाम में दे भी दे। कैसे बनाएंगे, x इधर लिखिए, y इधर लिखिए, 1x है ये, yx ये वाला जो अंदर वाला टर्म, इसको आप x मानते हैं, yx। ठीक है, तो आपका y इतने पे कितना आया, 24, x 3 पे कितना आया, 120, 5 पर कितना है, 336, 7 पे कितना है, 720,
ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें आप सबसे पहले h फाइंड करिए। h आपको गिवन नहीं है, तो h मैंने आपको क्या बताया, h होता है हमारा b माइनस ए। एच होता है हमारा कितना, b माइनस। तो जब आपने b माइनस ए देखा तो आप क्या करेंगे, x का जो ये सेकंड वाली वैल्यू है 3, इसमें से माइनस करेंगे 1। तो 3 माइनस 1 कितना आ गया आपका 2। और ये मेरा पैन नहीं चल रहा बहुत देर से, एक सेकंड लीजिए मुझे। आउट करना होगा h। h क्या होता था, मैंने आपको बताया था b माइनस ए। b क्या होती थी, यहाँ एक्स टू माइनस एक्स वन, बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हैं। और h मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा सेम रहता है, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड हो, इंटरपोलेशन या फिर आपका बैकवर्ड मेथड हो, h हमेशा आपका सेम ही रहेगा। तो आप यहाँ देखेंगे तो 3 माइनस 1 2 आएगा, यहाँ देखेंगे तो भी 2 आएगा, यहाँ देखेंगे तो भी 2 आएगा। अब ये हो सकता है एग्जाम में इस तरह से भी गिवन हो सकता है, इस तरह से भी गिवन हो सकता है। आपको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में बनाना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप निकालना है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाई। डेल का शो करता है, ये ट्राइंगल का शो कर रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब अब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 96, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा 216, इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा 483, ठीक है। अब इसको आप इस लाइन यहाँ पर लिख दीजिए, 96 216 384। अब आप क्या निकालिए, डेल स्क्वायर वाई, इन दोनों के पीछे गैप लेंगे कितना आ जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट यहीं लिख देती हूँ 120। इन दोनों के बीच का लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, अच्छा ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, डेल क्यू बाई, इन दोनों के बीच का आपका गैप कितना आ जाएगा 8 और 4, ठीक है 48। अब इसके बाद आपका एक ही नंबर है गया लास्ट में, तो अब आपको डेल 4 या डेल 5 आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पर ये सीरीज रुक जाएगी। अब हम पुट करेंगे अपने जो है फॉर्मूला में, फॉर्मूला में एफ एक्स नॉट प्लस पी टू एच वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं। ये मैंने अभी आपको क्या बताया था, हमारा p क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट बाई एच, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका x माइनस एक्स नॉट आपका कितना है 1 है, तो आपका आ जाएगा x माइनस एक्स 1 और h आपका कितना है 2, ठीक है। x तो अभी हमें पता ही नहीं है, तो x माइनस इसका फॉर्मूला अगर आप को याद होगा तो क्या होता था, हमारा y नॉट प्लस पी डेल y नॉट प्लस पी पी माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर नॉट प्लस, अब आपका ये 3 तक का टर्म क्यूब तक आ रहा है ना, तो आपका आ जाएगा पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 बाई 3 का क्यूब डेल, सॉरी डेल क्यूब बाई, ठीक है। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वाई नॉट की जगह आपका कितना आ जाएगा 24 प्लस पी की जगह आप रखेंगे एक्स माइनस 1 बाय 2 और डेल वाई नॉट आपका कितना आया था 96 प्लस पी आपका एक्स माइनस 1 बाय 2, पी माइनस 1 के लिए आप लिखेंगे एक्स माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर वाई नॉट आपका कितना आया था 120 इन टू 120 प्लस पी आपका आ जाएगा एक्स माइनस 1 बाय 2 एंड ये p माइनस 1 के लिए भी आप लिखेंगे x माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 एंड p माइनस 2 के लिए आप लिखेंगे x माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और डेल क्यू वाई के लिए आपका कितना आ जाएगा 48, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यूज आ गई सारी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली मैं इसका जो सॉल्व करके आंसर आता है वो लिख देती हूँ। मैंने इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर रखा है क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट होता है सॉल्व करने में, आप लोग खुद करके देखिएगा। प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ये आपका एफ एक्स आ गया था एफ एक्स नॉट प्लस पी एच, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, वाई एट निकालना है, तो आप एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 8, तो अगर 8 पुट करेंगे तो 8 क्यूब प्लस 6 8 स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, और इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये एक मेथड आपको, मुझे बेसिकली मेथड बताने थे मुझे आपके, तो आपके सारे फॉर्मूले हो जाए, एक और आप देख लीजिए उसका भी, आपको सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन उसका सिर्फ आप फॉर्मूला देख लीजिए, नो नीड टू गो फॉर द क्वेश्चन, और अगर आप चाहें तो आप सेम वे क्वेश्चन उस मेथड से भी करके चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट आपका आता है लैग्रांजेस
पॉलिनोमियल मेथड। क्वेश्चन तो आना मुश्किल है इन मेथड्स पे, बस आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि आपको फॉर्मूलाज पता हो, आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है। इसका भी आपका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री प्लस डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री प्लस डॉट 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 एक्स वन माइनस एक्स एन। फिर प्लस सिमिलरली वाई टू के साथ ये पूरी सीरीज आप रिपीट कर दीजिए। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हमने वाई वन लिया है तो हमारा ऊपर से एक्स माइनस एक्स वन नहीं लिया हमने, सिमिलरली वाई टू लेंगे तो हमारा होगा एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स थ्री, मतलब एक्स माइनस एक्स टू हमने ऊपर नहीं लिया। तो इसी तरह से सीरीज चलती है टिल द वाई एन का टर्म, एंड दिस इज द लैग्रांजियस पॉलिनोमियल फॉर्मूला। अब हम इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। इस पर आपका क्वेश्चन आता है तो अगले मेथड को आप अच्छी तरह से समझिएगा। इक्वेशन मेथड, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, लाइक इसमें आपका क्या होता है, गिवन ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड इक्वल्स टू, आपको कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है लाइक मैं मान लेती हूँ सी वन। सिमिलरली आपका बी वन एक्स प्लस बी टू वाई प्लस बी थ्री जेड आपको दिया हुआ है सी टू। अब आपका सी वन एक्स प्लस सी टू वाई प्लस सी थ्री जेड आपको गिवन है सी थ्री, ठीक है, ये कैपिटल सी है ओके, और यहाँ स्मॉल सी है। तो आपको सपोज ये तीन इक्वेशंस दी हैं, अब इसमें क्या कंडीशन आपकी होती है। सपोज अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आपका ए वन आया है एक्स वाले टर्म के साथ, ये आपका मोर देन होना चाहिए ए टू प्लस ए थ्री से। सेकेंड इक्वेशन में बी टू जो है आपका, जहाँ आपका वाई वाला जब आप लेंगे तो आपका बी वन प्लस बी थ्री से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड सी थ्री में आप क्या लेंगे, ये आपका सी वन प्लस सी टू से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अगर आपकी सेटिस्फाई होती हैं तब आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं। अब इस मेथड को कैसे लगाते हैं, इसमें आप एक्स वन फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, आपका सी वन और बाकी सब इधर उठ करा जाता है ए टू वाई माइनस ए थ्री जेड डिवाइडेड बाई ए वन, ठीक है, और इसको सॉल्व करके आपकी एक्स वन वैल्यू निकल जाती है। और जो आपका फर्स्ट आप जो सॉल्व करते हैं एक्स वन, तब आप वाई की आपको कोई प्रायर वैल्यू नहीं पता, जेड की भी नहीं पता, तो दोनों जीरो जीरो पुट कर देते हैं। फिर जैसे ही जब आपने इसको सॉल्व करा आपके पास एक्स वन की कोई वैल्यू आ गई, तो आप जब वाई वन निकालने के लिए सॉल्व करेंगे तो सी वन माइनस बी वन एक्स वन माइनस बी थ्री जेड अपॉन में बी टू ये रखेंगे। तो इस कंडीशन में अब आपके पास एक्स वन की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट कर आ गई थी, तो अब यहाँ पर आप एक्स वन की वैल्यू पुट करेंगे और z की जगह आप अगेन जीरो ही पुट करेंगे क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता थी। फिर जब z1 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका c3 थ्री माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू वाई डिवाइडेड बाई सी थ्री, ये कैपिटल c है ये स्मॉल c है बाकी, ठीक है। तो इसमें जब आपको अब क्या है, आपको x1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू भी पता है, तो अब आप यहाँ पे उन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका z1 निकलेगा। सिमिलरली आप x2 टू वाई टू जेड टू निकालते हैं, फिर x3 z3 y3 निकालते हैं, कब तक निकालते हैं, जब तक आपकी दो सक्सेसिव आपने जो इटरेशन किया है, ये एक प्रोसेस जो पूरा सॉल्व करते हैं इसको कहते हैं इटरेशन, जब दो सक्सेसिव इटरेशन है उसमें आपकी वैल्यूज जो है वो सेम नहीं आ जाती तब तक आप करते हैं। एंड सेम इन द सेंस हो सकता है आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट नए पॉइंट का फर्क हो तो उसको आप राउंड ऑफ से कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है गॉस सीडल मेथड। अभी तक नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला देखो, मतलब क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन आप इसका ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप देखिए गाइस, क्वेश्चन है 20x प्लस वाई माइनस टू जेड इक्वल्स टू 17, 3x प्लस 20y माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस 18, 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल्स टू 25। सो दिस इज योर क्वेश्चन।
अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने चेक, ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा आपका ये 20 है, ये यहाँ पर 1 और माइनस 2 से बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है, माइनस 2 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस 1, उससे बढ़ाइए। सिमिलरली वाई के केस में आपने 20 देखा तो वो इन दोनों के सम से बढ़ा है, फिर आपने यहाँ लास्ट में 20 देखा जेड के साथ तो आपका वो इन दोनों के सम से बढ़ा है। तो हमारा ये वाला हम गॉस सीडल मेथड लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्स। एक्स फाइंड करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, पहले एक्स की फॉर्म में एक्स वन फाइंड करते हैं ना, सबसे पहले तो आप एक्स वन फाइंड करेंगे, और जब एक्स वन फाइंड करेंगे तो आप बाकी को एक्स नॉट या एक्स जीरो पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, जैसे भी आपको सही लगे। प्लस 2z डिवाइडेड बाई 20, अब आप इसको जीरो पुट कर दीजिए, क्योंकि सिंस हमें वैल्यू पता नहीं है तो हम इसको वाई नॉट जेड नॉट ले लेते हैं। अब हमें वाई नॉट और जेड नॉट के प्रायर कोई वैल्यू पता नहीं है तो हम इन्हें जीरो पुट कर देंगे। तो माइनस जीरो माइनस प्लस 2 × 0/20, तो आपका कितना आ जाएगा 17/20, और इसको आप कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.86 के आराम। ठीक है, अब आप फाइंड करेंगे वाई वन, वाई वन के लिए आपका क्या आ जाएगा आंसर, -18, और आप इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो आपका -3x + z / 20। अब यहाँ पर x के हम ऑलरेडी एक x की वैल्यू मिल चुकी है तो इसीलिए यहाँ एक्स वन रखेंगे, और z की अभी कोई वैल्यू नहीं पता तो इसको z नॉट रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -18 - 3 की जगह रखेंगे 0.86 प्लस जेड नॉट डिवाइडेड बाई 20। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.-1.0275। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है गाइस, ताकि आपको एग्जाम टाइम ना वेस्ट हो, मतलब अब इसको कैलकुलेट तो हो जाता बट टाइम लगता, यहाँ पर जेड है। अब जेड वन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 25 - 2x, और इसको भी उधर ले जाएंगे तो +3/20। लेकिन अब x तो आपका हमने जो सबसे रिसेंट में जो वैल्यू आई होती है वो पुट करते हैं, तो क्या आई थी x1 की आई थी, तो x1, और y1 भी हमारा आ गया तो y1। अब वैल्यू पुट करेंगे 25 - 2 × 0.86 +3 × y1 आ जाएगा -1.0275/20। अब इसको आप सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.0109। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर ऑफ एक्स वन वाई वन जेड वन। ये आपका फर्स्ट इटरेशन हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सेकंड इटरेशन फाइंड करना होगा। सेकंड इटरेशन के हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स टू। एक्स टू में हम अगेन यही वाला अपना पुट करते हैं, 17 - y - 2z / 20। अब यहाँ वाई और जेड की जगह क्या हम पुट करेंगे, जो हमने रिसेंट में फाइंड किया है एक्स जेड वन और वाई वन। इस वैल्यू को जब आप पुट करेंगे एंड आप वैल्यू पुट करके देखिए, -1.0275 - z1 आ जाएगा 1.0109/20। ठीक है, और अब आप इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1.0025। ठीक है, सिमिलरली वाई टू फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा -18 - 3x2, क्योंकि अब हमारी x2 की वैल्यू आ चुकी है तो हमने x2 रख दिया, प्लस z1 की आई थी तो z1/20। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे -18 - 3 1.0025 x2 की जगह प्लस z1 1.0109/20। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, आएगी आपकी -0.99998। ठीक है, सिमिलरली अगर आप z2 कैलकुलेट करेंगे सेम इसी तरह से वैल्यू पुट करके तो z2 आ जाता है आपका 0.9999। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ। फिर थर्ड इटरेशन करेंगे आप तो आपका फिर x3 आ जाएगा, जिसमें आप क्या रखेंगे, 17 - y2 - 2z / 20, और आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.00। वाई थ्री में भी जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी आ जाएगी -1.000 एंड z3 भी आ जाएगा आपका 1.000। अब आप अगर सेकेंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन को कंपेयर करेंगे तो देखिए, ये वाला भी आपका अराउंड 1 हो जाएगा, और ये भी आपका अराउंड -1 है, और ये भी आपका अराउंड 1 है। तो आपकी सेकेंड और थर्ड इटरेशन आपकी सेम आ गई वैल्यू। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो आएगा वो थर्ड इटरेशन का आंसर आ जाएगा, या फिर हो सकता है आपको x3 y3 z3 पूछेगा तो आप वो बता सकते हैं। अब जो भी आपसे एग्जाम में पूछेगा आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये था आपका
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ये मेथड है आपका गॉस सीडल मेथड, और मुझे लगता है अब आपको ये समझ भी आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद अब हम एक अपने और इंपॉर्टेंट एक जो मेथड्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं, दैट आर द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, ट्रॉपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल। ये वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस सीडल इंपॉर्टेंट था, न्यूटन रैप्सन इंपॉर्टेंट था, और अब जो पढ़ाऊंगी ट्रॉपेजॉइडल और सिम्पसन रूल ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रेज कर देती हूँ, उसके बाद वी विल हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट टू मेथड्स। टॉपिक देख लेते हैं, दैट आर द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अगर आपके इंटीग्रेशन टाइप अगर आता है क्वेश्चन तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन यह आपको सीधा आपको लाइक एक इक्वेशन ही दे सकते हैं इंटीग्रेशन की, या हो सकता है आपको टेबुलर फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ पर होते हैं आपके दो मेथड, एक होता है ट्रेपेजॉइडल, एक होता है सिम्पसन, ठीक है। अब इनमें फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है मैं साथ साथ लिखूँ ताकि आपको थोड़ा याद करने में इजी रहे। सपोज आपको गिवन है ए बी एफ एक्स डी एक्स, तो अगर आपकी बात होगी ट्रेपेजॉइडल की तो आप ट्रेपेजॉइडल में कैसे लिखेंगे, एच बाई टू। ये मैं आपको 2018 का शिफ्ट वन का पेपर करवा चुकी हूँ, वाई नॉट प्लस वाई एन, ठीक है। वाई नॉट क्या आएगा, आप एफ एक्स की जगह जब अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे तो जो आंसर आएगा दैट आर द वाई नॉट। फर्स्ट वाला ले लेंगे और लास्ट वाला, और बाकी जितने भी बचेंगे उसको आप यहाँ अंदर ले लेंगे, कहाँ तक आपका वाई एन माइनस वन तक, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ ट्रॉपेजॉइडल मेथड। और सिम्पसन मेथड में आपका क्या होता था, सपोज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वन है, इसमें भी अगेन आपका रहता था एच बाय थ्री, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आया एच बाय टू, यहाँ क्या आएगा एच बाय थ्री। अब टू आया था तो आपके अंदर के दो ब्रैकेट के टर्म आए थे, अब तीन आया है तो अंदर आपके तीन ब्रैकेट के टर्म आएंगे। पहला ब्रैकेट का टर्म आपका सेम रहेगा वाई नॉट प्लस वाई एन, अंदर ब्रैकेट के टर्म में इसके बाद आप लगाइए प्लस का साइन, और अंदर ब्रैकेट के साथ आप लगाइए साथ में टू। अब जब आपने टू लगा दिया है तो अब आप इसके अंदर सिर्फ अपने वाई टू प्लस वाई फोर प्लस वाई सिक्स इस तरह के टर्म रखेंगे। अब आपके वाई वन वाई थ्री वाई फाइव रह गए, उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए आप टू लगा चुके हो तो अब नेक्स्ट आपका टर्म आएगा तो टू से बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, तो फोर लिखा आपने, तो आपका कितना आ गया वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस वाई फाइव एंड सो, ठीक है। डेरिवेशन निकल कर आता है इसका, बस मैंने आपको याद रखने के लिए बताया, आप इस तरह से रखना। सिम्पसन में नीचे आता है तीन, तीन आया तो अंदर आए तीन ब्रैकेट के टर्म, एक तो आपका नॉर्मल वाई नॉट प्लस वाई एन आ गया, दूसरे वाले में आपने क्या करा, यहाँ पर वन था तो वन का आपने डबल करके लिख दिया टू, और जब टू लिखा तो अंदर आपने फिर टू से स्टार्ट कर दिया, टू के बाद फोर सिक्स एट। अब आपके वन थ्री फाइव तो है गया, तो इनके लिए अब आपने टू का डबल करके लिखा फोर, और इसके साथ आपने लिख दिया वन थ्री फाइव सिक्स, वन थ्री फाइव सेवन एट, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग इजी से कर पाए इसको, इजी ही क्वेश्चन लेती हूँ मैं, ठीक है। ए बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अगर हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपका क्या आएगा, देखो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर आपका वाई आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपका एच कितना आ जाएगा बी माइनस ए, दैट इज इसको भी मैं पुट कर देती हूँ वन, ठीक है। तो एच कितना आ जाएगा आपका टू माइनस वन, दैट इज द वन, ठीक है। अब आप अगर ट्रेपेजॉइडल मेथड के हिसाब से इसको देखते हो तो उसके लिए कुछ भी आप मेथड से देखो, लेकिन पहले आपको इसकी टेबल बनानी पड़ेगी इस इक्वेशन के लिए। तो टेबल आपने अगर बनाई इसकी, यहाँ मैं ऊपर टेबल बना देती हूँ ताकि मैं दोनों फिर ना साथ में सॉल्व कर दूँगी आपके साथ में, मतलब एक ही क्वेश्चन को दो बार सॉल्व कर दूँगी दोनों मेथड से। तो वाई आपका कितना है एक्स स्क्वायर, सपोज आपने वाई की वैल्यू रखी है वन, तो आपका ये कितना आ जाएगा टू, y की वैल्यू टू ये आ गया फोर, y की वैल्यू थ्री ये आ गया आपका नाइन, फोर y की वैल्यू सिक्सटीन और ले लेते हैं ट्वेंटी नाइन, ठीक है, ये आपका आ गया वैल्यू। अब आपको अगर ये ट्रेपेजॉइडल मेथड से सॉल्व करना है तो अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए, एच आपका कितना आ जाएगा, देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, जो फर्स्ट टर्म होता है ये हमारा एक्स नॉट हो गया तो ये आपका वाई नॉट हो गया, फिर नेक्स्ट एक्स वन हो गया ये आपका वाई वन हो गया, एक्स टू हो गया वाई टू हो गया, एक्स थ्री हो गया तो वाई थ्री हो गया, एक्स सेकेंड गाइस।
इसमें हाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो एच की जगह 1/2, वाई नॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये जो वाई नॉट की आई है 2, प्लस वाई एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है दैट इज 25, ठीक है, प्लस वाई वन इज द 4, प्लस वाई टू इज द 9, प्लस डॉट 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 वाई एन माइनस, नहीं डॉट डॉट क्यों आएगा पहले, अभी इसमें हमारा यहाँ पर देखो वाई थ्री का टर्म भी है ना ये वाला, तो अभी हम यहाँ वाई थ्री का टर्म पुट करेंगे दैट इज 16, 16 एंड दैट इज द एंड, क्योंकि हमारा जो इसमें लास्ट टर्म है वो हमारा वाई थ्री है तो दैट इज द एंड। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 27 प्लस अंदर वाले सॉल्व करोगे सारे तो आपको कितना आ जाएगा 25 एंड 4 29, ऐड कर लो उसको तो कितना आएगा 16 5/2 ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर बाई दिस मेथड, आपका जो है ट्रोपेजॉइडल मेथड, ठीक है। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली थी, हाइपोथेटिकल्स नंबर लिए हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको अलग तरह के नंबर मिले, थोड़े पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, तो घबराइएगा मत, वो वैसे ही टिपिकल से नंबर देते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ अभी। अब एच बाई 3, तो एच हमारा कितना आया था 1 आया था, तो हम 1 पुट कर देंगे, 3 हमारा था 3, पहला ब्रैकेट वाई नॉट प्लस वाई एन, तो आपका कितना आ जाएगा 2 + 25, फिर क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे 1 था इसका डबल 2, अब 2 लगा दिया तो अंदर हम क्या लिखेंगे वाई 2 का टर्म, वाई 2 हमारा है ये रहा 4, अब प्लस अब वाई 3 में लिखेंगे क्या लिखेंगे वाई 4, वाई 4 का टर्म अपना देखो, नहीं सॉरी वाई 2 अपना 9 है ना, सॉरी 9 ये तो अपना वाई 1 है, अब वाई 2 हो गया, अब अपना क्या पुट करेंगे इसके बाद हम लिखेंगे वाई 4, लेकिन वाई 4 हमारे क्या है वाई 4 ही हमारा लास्ट टर्म है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ खत्म। अब प्लस 2 का डबल आपने लिखा 4, अब सबसे पहले आप लिखेंगे वाई 1, वाई 1 आपका कितना है यहाँ 4, तो आपने कितना लिख दिया 4, प्लस अब वाई 3, वाई 3 देखो आपका ये आ गया 16, तो 16 आपने पुट कर दिया 16, अब वाई 5 आपका नहीं है तो ख़त्म, ब्रैकेट बंद कर दो इसको, अब इसको आप सॉल्व कर लो तो 1/3 27 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 प्लस 20 और 4 80, अंदर आप ऐड करके लिखोगे 6 लगाए खासिल 1 कैरी 10 11 12 3 उसको कट कर दोगे तो आपको 52, तो ये आंसर आएगा आपका सिम्पसन मेथड के थ्रू। तो आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन हो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, और वाई अगर आपको सिर्फ इस तरह का फंक्शन ये फंक्शन गिवन है तो इससे आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई, कैसे निकालना है टेबल बना के निकालना पड़ेगा, तो दीज आर द योर ट्रापेज़ॉइडल एंड द सिम्पसन मेथड, ठीक है। इसके अलावा गाइस और भी मेथड्स होते हैं लाइक टेलर सीरीज मेथड, पिकार्ड्स मेथड, रेंज रंगे कूटा मेथड, यूलर्स मेथड, ठीक है, तो अभी उस सब में हम नहीं जा रहे हैं। बाकी एक चीज़ इम्पोर्टेंट आप लोग देख लीजिए, ये आ सकता है, हर मेथड ना एक पर्टिकुलर इक्वेशन से बिलोंग करता है कि लाइक ये इसी तरह की इक्वेशन सॉल्व करेगा या ये वाला मेथड इसी तरह की इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, तो कौन सा मेथड किस तरह की इक्वेशन के लिए होता है मैं आपको एक बार वो लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं अपना नॉर्मल जो लीनियर इक्वेशन होती थी, जो हमारी नॉन लीनियर इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिए थे, वैसे तो फिर भी आप देख लीजिए कौन कौन से हो गए आपके बाइसेक्शन मेथड, और आगे आपका रेगुलर पल्सी मेथड, और आ गया आपका न्यूट्रल रैप्चर मेथड, ये वाला इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला आपको पता है, एक्स वन निकालना होगा तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी लीनियर इक्वेशन है इसके लिए आपका गॉस वाले मेथड यूज़ होते हैं, अब ये गॉस के साथ आपका गॉस जैकोबी भी हो सकता है, गॉस आपका एलिमिनेशन भी हो सकता है, गॉस के साथ आपका सीडल भी हो सकता है, ठीक है लीनियर में। अब अगर आप इसके बाद चले जाते हैं इंटीग्रेशन वाले मेथड में, तो इंटीग्रेशन वाले हमने अभी दो पढ़े हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाले कौन कौन से पढ़े हैं हमने, ट्रॉपेजॉइडल
और सिम्पसन, ठीक है। ये दोनों मेथड आपके इसमें आ गए। और इसके अलावा आपका होता है एक ये वाला क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको गिवन हो तो उसका आप कैसे निकालते हैं। इसके निकालने के आपके कई मेथड होते हैं, जिसमें एक हो गया सबसे फेमस आपका टेलर सीरीज मेथड, ठीक है। दूसरा आपका हो गया पिकार्ड्स मेथड, पिकार्ड्स मेथड्स पिकार्ड्स, और आपका हो गया रंगे टूटा मेथड, और एक हो गया आपका रिवर्स मेथड। सो दीज ऑल आर द मेथड्स फॉर यू टू फाइंड आउट द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपसे इस तरह का पूछ लेता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप बताइए क्या होगा, तो यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ द मेथड, ठीक है। सो ये आपका था न्यूमेरिकल मेथड के कुछ आपके पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट मेथड्स का करने का तरीका, सॉल्व उनके फॉर्मूलाज जो मुझे लगता है एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। बाकी गाइस क्या बोलते हो, मैं इनके भी आपको एक छोटे छोटे से मेथड्स बता दूँ कि क्या होते हैं, थोड़ा एग्जाम में आएगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो ये आपका जो था आपका न्यूटन सॉरी न्यूमेरिकल मेथड में इतना ही था आपका। आपको इसमें बेसिकली अपना ये गॉस का सीडल मेथड, ट्रापेज़ॉइडल, सिम्पसन और न्यूटन रैप्सन मेथड ये अच्छे से कर लेना, इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज, इफ़ यू लाइक। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हम इस वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी गाइज।